गुड इवनिंग आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आप जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। ये हमारा हफ्तावारी प्रोग्राम है जो हर जुमे को हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इस प्रोग्राम के तहत हम बातचीत करते हैं रियल स्टेट के मुतलक, मार्केट में क्या नया ताजा हो रहा है रियल स्टेट से जुड़ा हुआ, और इसके बारे में हम आपसे जो है गुफ्तगू करते हैं, इसके बारे में आपको मालूमात देते हैं। और लंबे अरसे से आप हमारा ये शो देख रहे हैं, काफी फोन कॉल्स आपकी आती हैं, उनके लिए हमारा तहे दिल से आपका शुक्रिया है। मैं सबसे पहले अपनी टीम का तारुफ आपके साथ करवा दूं। मेरे साथ हमेशा की तरह हमारे ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड परवीन, उनके साथ हैं हमारे कमर्शियल स्पेशलिस्ट लखबीर सिंह और हमारे रीसेल स्पेशलिस्ट अजय। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी। जैसा कि जो टोरंटो रियल स्टेट बोर्ड है वो हर माह जो है अपने जो गुजरा हुआ महीना है उसके जो स्टैट्स हैं वो छाया करता है, उसको पब्लिश करता है। तो सितंबर के भी जो स्टैट्स हैं वो हमारे सामने आ गए हैं टोरंटो रियल स्टेट बोर्ड के। और अगर हम सितंबर 23 को सितंबर 24 के साथ कंपेयर करें, जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स हुई हैं 2023 के सितंबर में वो थी 4600 के करीब, जो पिछले साल हुई थी। जी पिछले साल 2023 में, और वो सेल्स बढ़ के सितंबर 2024 में ऑलमोस्ट 5000 हो गई हैं। इसमें तकरीबन 9% का इजाफा हुआ है, 9% सेल्स जो है वो ज्यादा हुई है। कहने का मतलब जो पिछले साल सितंबर में जितने घर बिके थे अब इस बार 9% उससे ज्यादा घर बिके हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जी। और अगर नई लिस्टिंग्स की बात करें सितंबर 23 में तकरीबन 16000 लिस्टिंग्स जो थी वो मार्केट में आई थी, और सितंबर 2024 में 18000 लिस्टिंग्स जो हैं वो मार्केट में आई हैं। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ लिस्टिंग्स हैं इन्वेंटरी मार्केट में बढ़ी है बट नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ी है। बिल्कुल, जो अगर इसकी परसेंटेज देखे तो ऑलमोस्ट 10.5-11% लिस्टिंग्स जो है इस साल ज्यादा आई है। तो मतलब ऑलमोस्ट सेम ही हो गया, 10-11% लिस्टिंग ज्यादा आई, 9% ज्यादा बिक गई। तो मतलब मार्केट में जो एक्टिविटी है वो हमें देखने के लिए ज्यादा मिली। डेफिनेटली ठीक हो गया। और जो एक्टिव लिस्टिंग्स की बात करें पिछले साल सितंबर में तकरीबन 19000 लिस्टिंग्स थी। हाँ जी। और जो के बढ़कर इस साल 25000 से भी ज्यादा, 25500 के आसपास हो गई, जो कि ऑलमोस्ट 36% का इजाफा है, 36% ज्यादा जो है एक्टिव लिस्टिंग्स थी। ओके। लेकिन ये एक ताज्जुब की बात है, और जो हमारा आज का टॉपिक भी है वो भी इसी से रिलेटेड है कि अगर हम एवरेज प्राइस की बात करें तो पिछले साल जो है एवरेज प्राइस जो है वो 1.1 के आसपास थी, टू बी एग्जैक्ट 1,118,250। अच्छा जी। और ये 2023 के सितंबर की मैं प्राइस की बात कर रहा हूँ। और इस साल जो सितंबर में प्राइस थी वो 1,107,291। यानी कि अगर इसकी परसेंटेज देखें हम कोई ज्यादा बहुत ज्यादा तो फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी ये पिछले साल से 1% कम है। तो अगर हम प्लेन लैंग्वेज में अपने व्यूअर्स को बताएं तो ढिल्लों साहब जो आप कह रहे हैं, क्योंकि आप ये डाटा को काफी अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप हमेशा काफी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके लाते हैं कि जो नंबर ऑफ सेल्स हैं पिछले साल सितंबर से 10% ऊपर चली गई, 9-10% हाँ जी, और प्राइस फिर भी 1% नीचे चला गया। बिल्कुल। दोनों चीजें बड़ी हैरानी वाली है कि सेल्स बढ़ रही है प्राइस फिर भी नीचे है, जबकि होता क्या है मार्केट में प्राइस भी बढ़ता है जैसे जैसे सेल्स बढ़ती हैं। तो इस साल जो सितंबर के मंथ की ये जो चीज है ये डिफरेंट हुई है। बिल्कुल ठीक है जी। और अगर हम एवरेज डेज ऑन मार्केट के, एक घर को एवरेज कितने दिन लगते हैं मार्केट के रहने के बिकने के लिए,
तो पिछले साल सितंबर में वो 20 डेज था, 20 दिन था, जो कि इस साल सितंबर में बढ़ के वो 27 डेज हो गया है। डेज ऑन मार्केट भी बढ़ा है जी, ओके, इसमें भी तकरीबन 35% का इजाफा हुआ है, ठीक हो गया। और जो अगर हम अगस्त और सितंबर को कंपेयर करें इसी साल के, जी ठीक है, अगस्त 2024 और सितंबर 2024 को कंपेयर करें, तो इसमें जो टोटल रेजिडेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं अगस्त में तकरीबन 5300 हुई थी, अच्छा जी, और सितंबर में ये 5500 हुई, और इसमें तकरीबन 3.3% का इजाफा हुआ है, ज्यादा थोड़ी सी हुई है, थोड़ी सी बड़ी जो सेल है, और प्राइस जो है वो तकरीबन तकरीबन सेम ही रही है अगस्त और सितंबर की प्राइस। तो ये जो डाटा है इसको आप किस तरह से देखते हैं प्रवीण जी, ये क्या इंडिकेशन कर रहा है, आपकी क्या पेशनगोई, आपकी प्रेडिक्शन क्या है कि आने वाली जो मार्केट है वो कैसी रहेगी? तीनों साहब, ये जो आज का टॉपिक है थोड़ा सा टेक्निकल विषय है जिसके बारे में हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स मार्केट में बढ़ रही है, बिल्कुल, इंटरेस्ट नीचे आ रहा है, डिस्पाइट दैट, मतलब ये दोनों चीजें अच्छी होने के बावजूद भी प्राइसेज ऊपर नहीं जा रहे, इसके पीछे क्या कारण है? तो मैं आपके साथ थोड़ी सी चीजें इंफॉर्मेशन शेयर करता हूं कि प्राइसेज क्यों नहीं ऊपर जा रहे। एक्चुअली क्या हो रहा है ढिल्लों साहब, के जो इंटरेस्ट रेट अभी भी कम हो रहा है या जिस लेवल पे आज भी हैं हम, जो तो मार्केट में एक्टिविटी बढ़ी है, जो 9% सेल्स बढ़ी है, वो सेल्स बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है मार्केट में लोगों का मार्केट के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस बेटर होना, बिल्कुल, ना तो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर हुई है, ये ध्यान रखें आप जी, बड़ा क्लियरली मैं बता रहा हूं, ना तो लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन बेटर हुई है, ना लोगों की इनकम बढ़ी है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट में उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, जो उनके अंदर आज से एक साल पहले डर था वो डर थोड़ा कम हुआ है, वो डर कम होने की वजह से उन्होंने जो उनकी बेसिक नेसेसिटी है उसके ऊपर काम करना शुरू किया, लोगों ने उसको बाय करना शुरू किया, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। कारण क्या है ढिल्लों साहब, हम पिछले काफी प्रोग्राम्स में ये बात करते रहे हैं कि शायद बाइंग के लिए ये हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट मार्केट होगी, हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट मार्केट होगी ये बाइंग के लिए। तो जो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ी है उसमें लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा है, इसलिए उन्होंने घर बाय करने शुरू कर दिए, बट ना तो फाइनेंशियल पोजीशन उनकी बेटर हुई है, और ना ही फाइनेंशियल पोजीशन बेटर होने के साथ साथ कोई ऐसा नहीं कि उनका डेट कम हुआ है या उनकी पेमेंट्स बहुत नीचे गई हैं, वो क्या है कि उन्होंने डिसीजन लेना शुरू किया है, बट प्राइसेज क्यों नहीं ऊपर जा रहे, क्योंकि प्राइसेज ना जाने का कारण ये है कि अभी भी लोगों के ऊपर जो डेट है वो बहुत ज्यादा डेट है, वो एक लिमिट तक ही बाय कर सकते हैं, वो उससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। आई डोंट नो ये क्या फार्मूले से इन्फ्लेशन कैलकुलेट होती है, मुझे इन चीजों के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है, मैं बड़ी बार कह चुका हूं कि हम इकोनॉमिस्ट नहीं है, हम तो मार्केट की जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखते हैं कि ग्राउंड पे क्या होता है, बट जैसे जो नंबर्स प्रेडिक्ट करते हैं, आई नो कि अब वो लोअर्स नंबर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, बट मैं आज भी लोगों की बाइंग कैपेसिटी को ज्यादा नहीं देख रहा। आज की डेट में भी मुझे कोई भी कैनेडियन ऐसा नजर नहीं आ रहा जो किसी ना किसी फाइनेंशियल प्रेशर के अंदर ना हो, चाहे वो छोटे लेवल पे है चाहे वो बड़े लेवल पे है, हर आदमी कोई ना कोई फाइनेंशियल सिचुएशन में थोड़ा डिफिकल्टी में कहीं ना कहीं वो घिरा हुआ जरूर है, और यही एक कारण है। इसका एक हमें और चीज देखने के लिए ढिल्लों साहब मार्केट में नजर आ रही है कि लोगों ने थोड़ा बाइंग इंप्रूव की है, थोड़ा रेंटल मार्केट के ऊपर अब प्रेशर आया है, अब रेंटल्स जो हैं इतने ज्यादा तेजी से नहीं हो रहे क्योंकि लोगों ने थोड़ी बाइंग शुरू कर दी है। तो जो लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई और ना ही अभी कोई नियर फ्यूचर इतनी चेंज नजर आ रही है, और जो जब तक वो चीज बेटर नहीं होती
तो मुझे प्राइसेज में कोई बहुत ज्यादा चेंज आने वाली नजर नहीं आ रही, ऐसा बिल्कुल नहीं मुझे नजर आ रहा कि अगर कोई भी अगर ये सोचे कि हाँ जी अब ये घर में 1 मिलियन का बिक रहा है मार्केट में और आने वाले 6 महीने में ये घर 12 लाख का हो जाएगा, ऐसा मेरे को कोई चीज नजर नहीं आ रही। चाहे अक्टूबर में भी वो इंटरेस्ट रेट का ड्रॉप आ जाए, चाहे इसके बाद भी कोई और ड्रॉप आ जाए, मतलब ये जो मार्केट है, मार्केट में कोई भी लिनियर ग्रोथ मुझे आने वाले टाइम में नजर नहीं आ रही। ये जो ग्रोथ होएगी स्टेप्स में, जैसे स्टेप्स नहीं होते, स्टेप्स में ही ग्रोथ होएगी आने वाले 1.5-2 साल तक, कोई लीनियर ग्रोथ है वो? यस, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना बिल्कुल वाजिब है, वो बढ़ेंगी क्योंकि लोगों का मार्केट में धीरे धीरे कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, बट उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन ना बेटर होने की बजाय उनका डेट नहीं कम हो रहा। आज की डेट में ढिल्लो साहब बहुत से तो लोग ऐसे हैं जो एक डेट को सर्व करने के लिए दूसरा डेट उठा रहे हैं या उन्होंने उठाया हुआ है। जब तक वो दूसरे डेट्स को क्लियर नहीं करेंगे, वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन से कैसे बाहर आएंगे? वो कहीं ना कहीं इस चीज का प्रेशर ऑलरेडी महसूस कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल के ऊपर है। और जैसे मैंने बड़ी बार बात की है कि ये जो मार्केट गुजरी है, इस मार्केट में मुझे नहीं कोई लगता कि बहुत बड़ी परसेंटेज है जिनको कोई फाइनेंशियल चैलेंज ना आया हो। हर आदमी ने कोई ना कोई इस मार्केट में जो फाइनेंशियल चैलेंज है वो देखा है। तो इसलिए ये जो चीज है, अभी भी अकेला यही नहीं कि अभी नहीं ऊपर जा रहे, ये आने वाले टाइम में भी मेरे को कोई बहुत बड़ी जो ग्रोथ है मार्केट में वो नजर है वो नहीं आ रही। तो जैसा कि हमने देखा कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हुए थे तो प्राइसेस जो है धड़ाधड़ नीचे आनी शुरू हो गई थी। बिल्कुल। लेकिन अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो प्राइस जो है वो उतनी तेजी से ऊपर नहीं जाएगी, ग्रेजुअली ऊपर जाएगी, आपका कहना ये है? बिल्कुल। जैसे एक ना कहते हैं कि जो सारा यूनिवर्स है ना, एक साइंस पे चलता है, एक लॉ के ऊपर चलता है, जो चीज ऊपर है वो नीचे भी आती है, जो नीचे है वो ऊपर भी जाती है। पर ऐसा कभी नहीं होता कि ये चीजें ओवरनाइट होती हैं। जो पहले प्राइसेज बढ़े थे वो भी आप देखो कितने सालों का इंक्रीमेंटल ग्रोथ थी, और जब वो ग्रोथ काफी ज्यादा हो गई थी तब एक लीनियर ग्रोथ आई। और जब चीजें नीचे आती हैं, हमेशा लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है, हमेशा फास्ट आती हैं। जब वो ऊपर जाती हैं वो हमेशा स्टेप्स में ऊपर जाती हैं, जो नीचे आती हैं बड़ा तेजी से आती हैं। कभी भी आप मार्केट में करेक्शन देखो, हम 89-90 का हमने डाटा कई बार एनालाइज किया, उसके बारे में बात की है। 89 और 90 में जो मार्केट में क्रैश हुआ था, मार्केट कितनी तेजी 1.5-2 साल के अंदर नीचे आई थी और वो रिकवर 7 से 8 साल में हुई थी। और अभी भी जो मार्केट है 1.5-1.5 साल के अंदर नीचे आई है, जो मेरी जजमेंट है ये मार्केट रिकवर 4 से 5 साल में मिनिमम इसको टाइम लगेगा मार्केट को रिकवर होने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आपके इनपुट के लिए। अब थोड़ी सी बात हम करते हैं प्रवीण जी के, मुझे पता है कि हम लोग एक फ्रेंचाइज को, जो फ्रेंचाइज बिजनेस है उसको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि इन जून 2024, हाँ जी, इस साल जून में तकरीबन 4600 बिजनेस, 4600 बिजनेस जो है वो क्लोज, 46,000, हाँ जी, 46,000, हाँ जी, 46,000, हाँ जी, बिजनेस जो है वो बंद हो गए हैं कनाडा में। बिल्कुल आपकी बात सही है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जो बिजनेसेस हैं वो बंद हो रहे हैं, वो नुकसान में जा रहे हैं, हाँ जी। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हम अपने व्यूअर्स के लिए, बायर्स के लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं। बिल्कुल। तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि एक तरफ तो बिजनेस बंद हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि ये मतलब बिजनेस खरीद लो, तो इसमें कहीं कोई मतलब मैं कहूंगा कि कोई धोखे वाली बात तो नहीं है? नहीं नहीं, छुपा तो नहीं रहे? नहीं, ढिल्लो साहब, मैं जैसे हम लाइव प्रोग्राम करते हैं हमेशा पब्लिकली बात करते हैं। जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना जी, ये अभी से 1-1.5 घंटा पहले आई थिंक शायद वो देख रहे हो शो, तो मुझे मालूम नहीं, अगर वो साहब शो देख रहे हो, उन्होंने मुझे 1-1.5 घंटा पहले कॉल किया जी, हमारी एड सुन के। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, लखवीर आगर जाके उस बिजनेस की डिटेल्स आपको बताते हैं कि हम कुछ बिजनेसेज को भी सेल करते हैं, प्रमोट करते हैं। और मैं मतलब ढिल्लो साहब आप भी इस चीज के गवाह हैं और आप भी हमारे जैसे एक स्ट्रॉन्ग पिलर हैं बिजनेस के, कि हम
अपनी पूरी ड्यू डिलीजेंस करते हैं किसी भी चीज को पहले प्रमोट करने के लिए, चाहे वो कोई प्री कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई वो मतलब बिजनेस हो, कोई कमर्शियल बिजनेस हो, या कोई भी चीज हो। और यही कारण है कि इस मार्केट में हर आदमी बर्नट हुआ है, और यही कारण है कि हमारी काफी ड्यू डिलीजेंस के बावजूद, ऐसा नहीं कि हम भी बर्नट नहीं हुए, हम भी बर्नट हुए हैं क्योंकि मार्केट ने सभी को मतलब सेक दिया है, बट जो हम जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको काफी कम सेटबैक लगा है क्योंकि हमने काफी चीजें काफी ड्यू डिलीजेंस के बाद की हैं और करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क। बिल्कुल। अब जो आप बिजनेस की बात कर रहे हो, मैं एक दो चीजें बताना चाहूंगा कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि 46,000 बिजनेसेस बंद हुए हैं जून के महीने में, और मैं उसके पीछे दो तीन कारण बताता हूं कि वो बिजनेसेस बंद क्यों हुए हैं। सबसे पहले तो कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है जो कम हुआ है, अभी भी ये अभी भी उस लेवल के ऊपर नहीं है जिस लेवल के ऊपर लोगों ने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को कैलकुलेट करके चीजें बाय की हुई है। लोगों ने 1.5-2% इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके चीजें बाय की हैं। अब वो 7-8% पे चले गए, 8 से अब वो चलो 5 की रेंज में आ गए। रिलीफ है, कोई दो रह वाली बात नहीं, बट अभी भी 2 और 5 में फर्क है। 2 और 5 में अभी भी फर्क है। मैंने कोई चीज ली 2% सोच के और वो 7 हो गई, 7 पे तो मैं मतलब जैसे कह लो कि काफी प्रेशर में आ गए, सांस भी मेरे को आनी बंद हो गई थी। चलो अब अच्छी बात ये है कि थोड़ा बहुत लोगों को रिलीफ दिया है कि अब उनको थोड़ी सांस आने लगी है, अब उनको ये लगता है कि हम मरते नहीं हम जिंदा रहेंगे, मतलब ऐसी बात नहीं होगी हमारे साथ। तो पर फर्क अभी भी 2 और 5 में फर्क है, 3% का अभी भी फर्क है। तो पहली बात तो ये है कि जो इंटरेस्ट रेट है कम हुआ है वो अभी भी इस लेवल पे नहीं आया जिस लेवल पे उन्होंने कैलकुलेशन करके बाइंग की थी। नंबर 2, जो मार्केट में कंज्यूमर की बाइंग कैपेसिटी है वो डे बाय डे कम होती जा रही है क्योंकि लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन इतनी स्ट्रांग नहीं। आप खुद को देख लो, जो चीज हम आज से 2 साल पहले कर रहे थे लास्ट ईयर उससे कम कर रहे थे, इस साल उससे कम कर रहे हैं। हर आदमी सेव कर रहा है कि कहीं ना कहीं मैं पैसे सेव करूं क्योंकि उन्होंने घरों की पेमेंट्स करनी है, अपने बिजनेस के लोन्स की पेमेंट्स करनी है, कि मैं जो बाइंग है अपनी वो कम से कम करूं। तो जो बाइंग है वो नॉर्मली जो मार्केट में डिमांड है वो कम हुई है, हर बिजनेस की सेल के ऊपर इस चीज का इंपैक्ट आया है। राइट। और तीसरी एक बात ये है कि थोड़ा सा मतलब मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट नहीं करती बिजनेसेस के लिए, जो बिजनेस के लिए जो खास करके छोटे बिजनेसेस है ना ढिलों साहब, कोई ज्यादा पॉलिसी नहीं है उनको सपोर्ट करने की। मतलब दे ऑलवेज फाइंड आउट द अदर वेज टू सर्वाइव देयर बिजनेस। मतलब कई लोगों ने, मैं ये नहीं कहता कि हम लोग भी गलतियां नहीं करते या पब्लिक गलतियां नहीं करती, पब्लिक भी कहीं ना कहीं गलतियां कर जाती है अपने बिजनेसेस को सर्वाइव करने के लिए वो भी, बट कोई इतनी ज्यादा फेवरेबल पॉलिसीज नहीं है जो छोटे बिजनेसेस को मतलब सपोर्ट करें। तो इसकी वजह से 46,000 के करीब बिजनेसेस जो हैं वो बंद हुए हैं। और जो चौथा सबसे बड़ा कारण है ढिलो साहब, जब आपने कोई भी खुद बिजनेस बाय करना है आपको कोई क्वालिफाई नहीं करता, आप एक अपनी कैलकुलेशन करते हो, आपको लगता है कि मैं ये चीज ऐसे कर जाऊंगा, मैं ये चीज ऐसे कर जाऊंगा, आपके पास कोई एक प्रूवन डेटा नहीं होता, आपको ये चीज क्लियर नहीं होती कि ये बिजनेस कैसे करेगा आने वाले टाइम में। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत से लोग बहुत मिसकैलकुलेशंस कर गए बिजनेसेस के बारे में, और उन्होंने बिजनेसेस खरीद लिए और उनके पीछे ना तो उनको एक्सपीरियंस था उस बिजनेस का, ना उस बिजनेस के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स थे। अब आप एक चीज देखिए, जो अच्छी कंपनियां हैं जो फ्रेंचाइजी चलाती हैं बहुत से बड़ी हैं, वो क्या करती है, उनके पीछे उनके एक बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग सिस्टम होते हैं। कहीं पे भी आप मिस्टेक करते हो तो वो आपका हैंड होल्ड करते हैं कि आप जहां पे मिस्टेक कर रहे हो, आप ये चीज कर नहीं सकते, वो आपको बड़ी चीजों के
लिए होल्ड करते हैं, आपको करने देते हैं या नहीं करने देते। तो जो पहले बिजनेसेस की बाइंग हुई है वो बहुत से लोगों ने, चाहे वो क्वालिफाई करते थे, उनका एक्सपीरियंस था या नहीं था, उन्होंने वो बिजनेसेस बाय कर लिए और उसकी वजह से वो बिजनेसेस फेल हुए हैं। जो बिजनेस ढिल्लों साहब हम प्रमोट कर रहे हैं वो एक प्रूवन बिजनेसेस हैं, उनके पीछे डेटा उनको सपोर्ट कर रहा है, उनकी जो दूसरी लोकेशंस चल रही हैं वो बता रही हैं कि ये मार्केट में ये बिजनेस ऐसे कर रहा है। वो एक प्रूवन और क्वालिफाइड बायर्स को ही बिजनेस दिया जाता है, इस वजह से वो बिजनेस है वो फेल नहीं होते। अनटिल अनलेस आप बिल्कुल ही मतलब चाहोगे मैंने तो बिजनेस को डुबोना ही है, तो वो बात अलग है, अदरवाइज वो आपके बिजनेस को डूबने। जी, तो हम बात कर रहे हैं शर्मा रॉयल की यहाँ पे। बिल्कुल जी, ये मैं कहूंगा लेटेस्ट एडिशन टू क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, QSR बोलते हैं जिनको। हाँ जी। उसमें है ये जो ब्रांड है, दिखा रहे हैं हमारे टेक्नीशियन स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, और आप देख सकते हैं कि शर्मा पिछले कुछ सालों में काफी पॉपुलर हो गया है कनाडा में, और एक मेरे हिसाब से ये थोड़ी सी एक हेल्दियर चॉइस भी है काफी ज्यादा। बाकी ढिल्लों साहब आप तो खुद फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, आपका काफी एक्सपीरियंस है जी, यू नो बेटर के ये बिजनेस कैसा है। बिल्कुल। हाँ जी, और मैं समझता हूँ कि ये काफी पॉपुलर हो रहा है कनाडा में, और मेरे ख्याल से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हमारे टेक्नीशियन हमें इशारा कर रहे हैं, हम इसके बारे में ब्रेक के बाद बातचीत जो है वो जारी रखेंगे। हम ब्रेक पे यूं गए और यूं वापस गए आए, आप देखते रहिए लाइव विद टीम अरोरा ऑन आवाज टीवी। अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and zabardast. Bahut aala chai, aala churro chai. Chai. It's creamy. Your flavor bhi bahut acha tha, consistency bhi bahut achi thi, aur thick. Thank you. Thing she says and double that. Oh, thank you. Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and zabardast. Bahut aala chai, aala churro chai. Chai. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी थी, और थिक कोई कड़क थी। थैंक यू। थिंक शी सेज एंड डबल दैट। आई कम हियर, आई हैव बीन कम हियर एवरी डे। ओह थैंक यू। माय नेम इज तैमूर शाह, आई एम द मैनेजिंग पार्टनर ऑफ शाह एंड शाह लॉयर्स। एट आवर फर्म वी डू पर्सनल इंजरी, रियल एस्टेट, इमिग्रेशन, लिटिगेशन, फैमिली, क्रिमिनल एंड विल्स एंड एस्टेट्स। You can contact us at 905-270-5474, or you can visit our website at shawlawyers.ca, and you can visit us at 315 Traders Boulevard East, Unit 3 in Mississauga. We're a family law firm, and we'd love to help your family out.
Dixie Electronics और Appliances, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो Whirlpool हो या LG, Samsung हो या General Electric, हम इन सब के ऑथराइज डीलर हैं। आइए और हमसे 5-स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए, हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900। At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and zabardast bahut aala chai, aala churo chai. Thank you. It's creamy. The flavor bhi bahut acha tha, consistency bhi bahut achi thi, aur thick. It's creamy. The flavor bhi bahut acha tha, consistency bhi bahut achi thi, aur thick. Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे फ्रेंचाइज फूड की, और उसमें भी पर्टिकुलरली शवरमा की। तो हमारी टीम को ये मौका मिला है कि हम जो शवरमा रॉयल है, एक ब्रांड है जो तकरीबन 2018 से ओंटारियो में ये शुरू हुआ, और जो सिटी ऑफ वाटरलू है, जो यूनिवर्सिटी टाउन है, आप सब जानते हैं, वहाँ पे इनकी पहली लोकेशन थी, और 2018 से इन्होंने फ्रेंचाइज जो है वो देनी शुरू की अपनी, और बड़ी तेजी के साथ। मैं ये कह सकता हूँ प्रवीण जी के इतने छोटे से अरसे में उन्होंने GTA में तकरीबन 24 लोकेशंस जो हैं वो खोल ली हैं और सक्सेसफुली रन कर रही हैं। 24 लोकेशन है इनकी लगभग जी, पर इतनी जल्दी, मतलब इन्होंने बिसाइड इतने और शवरमा हैं मार्केट में जी, और जड़ा टेस्ट था ना जी, ऑथेंटिक टेस्ट था, यानी कि इट्स बेटर टेस्ट देन अदर शवरमा। ओके, शवरमा जो आपको अगर आप जानते हैं जी, ये ओरिजिनली सीरियन डिश है, ये सीरिया में ओरिजिनेट हुआ था। अच्छा, ये और जो शवरमा रॉयल के ओनर हैं, जो जिन्होंने स्टार्ट किया है ही इज फ्रॉम सीरिया, और ठीक है, वो ऑथेंटिक रेसिपी जो एक्चुअल है, क्योंकि यहाँ पे जो शवरमा है ना जी, वो फ्यूजन है। अच्छा, ये कनेडियन और ओरिजिनल शवरमा का फ्यूजन है वो। ओके, उसको मॉडिफाई किया गया, लेकिन अगर ऑथेंटिक जो है, जैसे खाना है आपने, अगर हम अपने खाने की बात करें कि जो जलेबी है, हाँ जी, वो हम लोग ही बना सकते हैं, वरना वो कहते हैं कि वो गोरा तो पूछता था कि इसमें इंजेक्ट कैसे किया आप लोग, शुगर कैसे इंजेक्ट किया। ठीक है, तो जो ऑथेंटिक है, अगर आप उसका मजा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए शवरमा रॉयल जो है एक अच्छा ब्रांड है। तो लखवीर जी, आप थोड़ा सा बताएं हमारे व्यूअर्स को, ऑफ कोर्स जो जो तफसीली मालूमात है, जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, वो आप हमारे साथ कभी भी मीटिंग करके हमारे ऑफिस से
हमारे साथ आए, बैठे वहां पे हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, चाय पियेंगे आपके साथ, और उसके साथ साथ आपको सारी मालूमात इसकी देंगे। लेकिन अगर हमने इसको थोड़े से लफ्जों में बयान करना हो लखवीर जी, तो थोड़ा सा बताएं कि ये ही क्यों, शर्मा रॉयल ही क्यों, क्योंकि और इतनी सारी फ्रेंचाइजेस अवेलेबल हैं, बड़े जो है हम देखते हैं कि उनकी बड़ी एडवर्टाइजमेंट आती है, काफी जो है और भी ब्रांड्स हैं, वाई शर्मा रॉयल? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ $100,000 ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਇਹ ਦੇ ਟੇਕ ਓਵਰ ਸਿਸਟਮ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਵਨ ਡਾਟਾ ਵਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੇਲਸ ਦਾ ਡਾਟਾ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੂਵਨ ਡਾਟਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਜੇ ਲਖਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੇਲਸ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਲ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕੋ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੈਲਰ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ, ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰਾ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸੈਟਅਪ, ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਿ ਜੋ ਹਮ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਕਿ 46,000 ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਔਰ ਉਸਮੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਸਕਸੈਸ ਮੇ ਕਾਮ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਕੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇ ਚਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰਸ ਕੋ ਇਨਫਲੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਆ ਹੈ, ਤੋ ਇਨਕੀ ਜੋ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਆਪ ਵਾਕਈ ਇਸਕੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਵੋ ਕਾਫੀ ਟਫ ਹੈ, ਆਪ ਯੇ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਟਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਈਕ ਯੂ ਗਾਟਾ ਬੀ ਦੇਅਰ and learn the business, how to provide good services. Another feedback bahut badhiya, these guys train really well. Eh train jani ki inna di training bahut badhiya va, eh par eh us person nu dinde ne jinu properly jehda main end buyer aa, end jehda basically investor ni, investor ni hard working nu eh jani ki jehda banda mehnat karda va, ji te tusi paise banaoge inna di jani ki each store di net income jehdi aa 15,000 to $20,000 ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਟ ਇਨਕਮ ਆ। ਲਖਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਾਦਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ, ਇਟ ਵਾਸ ਵਨ ਆਫ ਦ ਬੈਸਟ ਸ਼ਰਮਾ ਆਈ ਐਵਰ ਹੈਡ। ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਾਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਖਾਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਖਾਦਾ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਆ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਚਲੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਨਾਰਥ ਪਾਰਕ ਔਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਉਸੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਸ਼ੋਰ ਕਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ, ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 24 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਜੀ, 24 ਇੱਥੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਤੇ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਲਾਈਕ ਰਨ, ਲਾਈਕ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਮਨੀ ਇਨ ਦੇਅਰ, ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਇਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਮਨੀ। ਸੋ ਟੇਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨਹੀਂ ਬੈਟਰ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੂਵਨ ਡੇਟਾ, ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਮ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਲਖਵੀਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਫੁੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆ, ਬੈਕਅਪ ਆ ਪੂਰੀ, ਪੂਰਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਸੇਲਸ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਖੈਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,
ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਖਵੀਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਲਖਵੀਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ, ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੂਡ ਮਿਲਿਆ। 30 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ, 25 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ, 25-30 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੂਡ ਸੀਗੀ, ਫੂਡ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਅਪ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਫੂਡ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੋਣ ਵਿਊਅਰ, ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਫਰੇਜ਼ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਪਹਿਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜੇ ਲਖਵੀਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਊ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਐਂਡ ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸਟੇ ਦੇਅਰ ਫॉर ਐਨ ਆਵਰ ਔਰ ਟੂ, ਵੀ ਕੈਨ ਇਵਨ ਯੂ ਨੋ ਅਰੇਂਜ ਦੈਟ, ਵੀ ਕੈਨ ਅਰੇਂਜ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਖਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਅਜੇ ਅਗਰ ਹਮ ਅਬ ਥੋੜੀ ਸੀ ਬਾਤ ਹਮ ਰੀਸੇਲ ਕੀ ਕਰੇਂ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਜੈਸੇ ਕਿ ਹਮ ਸਟੈਟਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਾਫੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਤੋ ਆਪ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਪੇ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਬਾਇਰਸ ਐਂਡ ਸੈਲਰਸ ਕੇ ਸਾਥ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਤੋ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਵਾਕਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨੋਂ ਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਬ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਹਮ ਬਾਏ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਨਮੇਂ ਇੱਕ ਵੀ ਆਜ ਡਰ ਉਨਮੇਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਮਨੇ ਯੇ ਚਾਂਸ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿਆ ਤੋ ਮੇ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਮੇਂ ਉਨਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਆਈ ਮੀਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਵੋ ਬਹੁਤ ਲੋਅ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੋਮ ਬਾਇਰ ਕੇ ਲੀਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਗੁੱਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੇ, ਤੋ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਸੇਲਸ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਬ ਕੁਛ ਘਰ ਐਸੇ ਹੈ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਓਵਰ ਆਸਕਿੰਗ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਅੰਡਰ ਆਸਕਿੰਗ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਆਸਕਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਅਬ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਅਗਰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੇ ਤੋ ਇੱਕ ਜੋ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਥੀ ਵੋ ਆ ਰਹੀ ਥੀ ਅਪਰੇਜ਼ਲਸ ਕੀ, ਕਿ ਘਰ ਵਿਕਤਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸਕੀ ਜੋ ਅਪਰੇਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਵੋ ਉਤਨੀ ਆਤੀ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਤੋ ਮੋਰਗੇਜ ਮੇਂ ਆਪਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਤੀ ਥੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਆ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੇਜ਼ਲਸ ਉਸਕੇ ਠੀਕ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਅਭੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਬ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਵੀ ਆਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕਮ ਹੋਣੇ ਸੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਰੇਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੇ ਸਕੁਆਇਰ ਫੀਟ ਕੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸਕੀ ਲੇਆਊਟ ਔਰ ਉਸਮੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਡਵੈਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਸਮੇ ਕਿਤਨੇ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਉਸਕੇ ਬੇਸਿਸ ਪੇ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਆਤੀ ਥੀ ਕਿ ਆਪਕੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਵੀ ਈਜ਼ਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਂਕਸ ਕੋ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਬ ਮਾਰਕੀਟ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਇਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਯਾ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਬਾਇਰਸ ਮਾਰਕੀਟ ਜੀ। ਅਬ ਅਗਰ ਹਮ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਕੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਹਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਤੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਚੁਨਿੰਦਾ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਹਮ ਹਰ ਵੀਕ ਜੋ ਹੈ ਹਮ ਲੈ ਕੇ ਆਤੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਹਮ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਕੁਛ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਨ ਤਮਾਮ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਪੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਲਿਸਟਿੰਗ ਹਮ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਕੈਂਡ ਪੇ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਵੀ ਰਹੇਗੇ, ਉਸਕੀ ਵੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹਮ ਆਪਕੋ ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਫੋਨ ਪੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਤੇ ਹੈ, ਯਾ realtor.ca ਪੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਏਰੀਆ ਮੇਂ ਹਮਾਰਾ ਕੇਮਬ੍ਰਿਜ ਕਿਚਨਰ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਪਿਕਰਿੰਗ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਓਪਨ ਹਾਊਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵੀਕੈਂਡ ਪੇ ਵੀ, ਤੋ ਇਸਕੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹਮ ਆਪਕੋ ਅਭੀ ਦੇਤੇ ਹੈ ਲਿਸਟਿੰਗਸ ਕੀ।
ठेठो साहब, जो इस बार हमने, क्योंकि पीछे हम अपनी काफी इन्वेंटरी के बारे में अपने व्यूअर्स को बता रहे थे, तो इस बार हमने सिर्फ और सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज पिक की हैं जो हमने सोचा कि अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें। और ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज फर्स्ट टाइम बायर्स और इन्वेस्टर के लिए बेस्ट ऑप्शंस हैं। और ये जो चारे प्रॉपर्टीज हैं और इनकी जो स्पेसिफिकली जो इनकी खासियत है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले तो एक हमने क्वीन स्ट्रीट के ऊपर 215 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट के ऊपर एक कॉन्डो लगाया है, 2 बेडरूम का और 2 वॉशरूम का। अगर हमारे टेक्नीशियन दिखाएं इसका पिक्चर, 2 बेडरूम 2 बाथरूम का ये जो कॉन्डो है, अगर अमन आप दिखा सकें, 215 क्वीन स्ट्रीट ईस्ट, हाँ जी। और ये जो बिल्डिंग है 2 बेडरूम का कॉन्डो और 2 वॉशरूम के साथ, और ढिलो साहब आप प्राइस सुन के हैरान हो जाओगे, और वो भी ओंटारियो में और वो भी ब्रैम्पटन में जी, सिर्फ और सिर्फ 499,000। ये हॉट डील है मार्केट में जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है 420 स्लेम रोड एजेक्स में, ब्रांड न्यू टाउन हाउस। टिलो साहब जी, ब्रांड न्यू टाउन हाउस अगर आज आप बिल्डर के पास लेने जाएं तो वहां पे भी नहीं इस प्राइस पे आपको मिलेगा, राइट। ये हमने लगाया है सिर्फ और सिर्फ 749,000 का, और इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं जी। और जो नेक्स्ट है जी वो है 143 एल्गिन। ये जो प्रॉपर्टी है ये कैम्ब्रिज में है, अगर हमारे टेक्नीशियन दिखा पाए 143 एल्गिन, जो नेक्स्ट लिस्टिंग है, ये आप देख सकते हैं इसकी एलिवेशन स्टोन और स्टॉको की एलिवेशन है, बहुत ही ग्रैंड एलिवेशन है इस टाउन हाउस की। और ये हमने लगाया है जी सिर्फ और सिर्फ 799 का जी। और ये आप देख रहे हैं 1.5 साल पुराना ये जो टाउन हाउस है जी, इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं। और जो लास्ट में हमारी लिस्टिंग है वो है मिसिसागा के हार्ट में, हार्टलैंड में जी, जो मिसिसागा का हार्ट है, ये है जी 5980 व्हाइट हॉर्न एवेन्यू के ऊपर। ये जो टाउन हाउस है डेलो साहब, हालांकि ये ज्यादा ही पुरानी सब डिवीजन नहीं है, टॉप टू बॉटम फुली रेनोवेटेड है ये टाउन हाउस। और जैसे मैंने आपको बताया कि मिसिसागा के हार्ट में, हार्टलैंड में है ये जो प्रॉपर्टी है, और इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं। एक टाइम था डेलो साहब जो इसके नेबर में अभी एक बिल्डर है जी, वो वहां पे टाउन हाउस पता है कितने के बेच रहे हैं जी, 1.2-1.3 मिलियन के आज की डेट में। और हमने कितने का ये लगाया है जी, सिर्फ और सिर्फ 899 का जी। इसके ऊपर भी हम इस वीकेंड के ऊपर ओपन हाउस लगा रहे हैं। ये चारों की चारों जो प्रॉपर्टीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं फर्स्ट टाइम बायर्स इन्वेस्टर्स के लिए दी बेस्ट ऑप्शन, डील ऑफ द वीक, डील ऑफ द मंथ आप कह सकते हैं ये वाली प्रॉपर्टी। तो जैसा कि आपने देखा ये प्रॉपर्टीज हमने आपके साथ शेयर की, इनके बारे में अगर आपको और तफसीली मालूमात चाहिए तो आप हमारे ऑफिस में हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का नंबर है 416-910-8923, और हमारा ऑफिस डेरी और मैकलॉगलिन के इंटरसेक्शन पे वाकया है, 268 डेरी रोड वेस्ट, जो कोर्टयार्ड मैरियट होटल है उसके बिल्कुल साथ में हमारा ऑफिस लोकेटेड है। डेरी रोड पे अगर आप मैकलॉगलिन से हाईवे 10 की तरफ जा रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे ये लोकेटेड है। आप अगर उस एरिया में हैं तो बेझिझक ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स, हमारा ऑफिस 7 दिन खुला रहता है, किसी भी वक्त वॉक इन कर सकते हैं, हमारे एजेंट्स ऑन ड्यूटी होते हैं। आपका रियल स्टेट के मतलब कोई भी सवाल हो, चाहे वो रिकंस्ट्रक्शन रियल स्टेट हो, चाहे रेजिडेंशियल रियल स्टेट हो, चाहे कमर्शियल इंडस्ट्रियल रियल स्टेट हो, या आप कोई बिजनेस बाय करना चाहते हैं, कोई आपके पास लैंड का पीस है आप उसका बेस्ट यूज मालूम करना चाहते हैं, या उसकी जोनिंग के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, बेस्ट पॉसिबल यूज क्या हो सकता है, आप कोई पीस ऑफ लैंड जो है डेवलप करना चाहते हैं, ये सारी जो एक्सपर्टीज है हमारी टीम के पास मौजूद हैं।
आप हमारे साथ राबता कर सकते हैं 416-910-8923। अगले हफ्ते एक और जानकारी से भरपूर, मालूमात से भरपूर एक और प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। शब खैर। थैंक यू।